दोस्तों वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रैन। आज की वीडियो में देख रहे हो दो वॉल क्लाइंबिंग कार्स आ चुकी है अपने पास। पहली वाली कार है ब्लू कलर वॉल क्लाइंबिंग कार, दूसरी वाली कार है ग्रीन कलर वॉल क्लाइंबिंग कार। दोनों ही कार जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। चलो दोनों को करते हैं पहले अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे दोनों के बीच में फाइट। लेट्स स्टार्ट। हां तो गाइस अपने पास जो कार्स है ना दो अलग अलग कलर्स में है। पहले दोनों के नाम देख लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर वाली है इसका नाम है वॉल रनिंग मास्टर 360 डिग्री, और ये जो ब्लू कलर वाली है इसका नाम है मैक्स रेसिंग क्लाइंब फोर्स। इसके ऊपर भी लिखा है 360 डिग्री रोटेशन बोलकर। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं पीछे की तरफ। इसके कलर्स दिए हैं, रेड कलर में भी मिलती है, ब्लू कलर में भी मिलती है। तो इसके भी बॉक्स के पीछे देख लेते हैं। और देखो गाइस इतने ढेर सारे कलर्स में मिलती है ये कार। सबसे पहले इसको खोलते हैं अपन। गाइस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दें। तो भाई इसके अंदर से जो है हम लोगों को ये चार्जर मिला है, और भाई ये है इसका रिमोट। रिमोट की क्वालिटी देखो यार, काफी ज्यादा तगड़ी क्वालिटी का रिमोट नजर आ रहा है। और भाई ये है अपनी वॉल क्लाइंबिंग RC कार। भाई साहब इसका लुक तो देखो यार, क्या ही गजब का लुक है। तो चलो अभी ब्लू कलर वाली कार को भी ओपन करते हैं अपन। तो भाई दोनों का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। दोनों का बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो दोनों ही वॉल क्लाइंबिंग RC कार्स को खरीद सकते हो। तो भाई इसका भी लुक देखो यार, काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कार जैसी दिखाई देती है। इसको रखते हैं यहाँ पर। और ये है इसका चार्जर, और ये है इसका इतना बड़ा वाला रिमोट। रिमोट का साइज तो देखो भाई, कितना ज्यादा बड़ा रिमोट मिला है हम लोगों को। तो भाई सबसे पहले जो है दोनों का साइज कंपेयर करके देख लेते हैं। ऑलमोस्ट जो है दोनों का साइज बिल्कुल सेम टू सेम है, पर ये जो हमारी ब्लू कलर वाली RC कार है ना गाइस, इससे जस्ट थोड़ी सी ही बड़ी है। दोनों का वेट मैं आपको बता देता हूँ। इसका वेट जो है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मेरे को। इसका प्लास्टिक है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पर इसका एक IR सेंसर हमें देखने को मिलता है। सामने दो हेडलाइट्स दिए हुए हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर इसके दो व्हील्स है, इस तरफ दो व्हील्स दिए हुए हैं। ये जो व्हील्स है सिर्फ डमी व्हील्स है। मेन इसके जो व्हील्स है नीचे चलने के टाइम पर ये दो व्हील्स काम में आते हैं। यहाँ पर है इसका वैक्यूम, यहाँ से जो है ये कार वैक्यूम क्रिएट करती है। यहाँ पर कुछ स्ट्रिप जैसा दिया हुआ है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर ये ऊपर से भी नीचे गिरेगी तो गाइस कोई टेंशन लेने वाली बात मेरे को लग नहीं रही है। यहाँ पर इसके दो मोड्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप इसको चार्ज भी कर सकते हो, और ये जो कार है ना आप नीचे जमीन पर भी चला सकते हो। पहले जो है यहाँ पर देख रहे हो फ्लोर पर भी चला सकते हो। दूसरी चीज है ये वॉल पे आप इसको जैसे ही डालते हो यहाँ पर जो है इसके अंदर एक साउंड आने लगती है। यहाँ से जो है वैक्यूम क्रिएट होता है, तब जाकर ये जो कार है ना दीवार के ऊपर या फिर किसी भी सतह के ऊपर चिपकती है। इसके बारे में बात करते हैं भी, इसका लुक जो है ना गाइस इससे भी ज्यादा भयंकर है। और इसका कलर तो मैं क्या ही बताऊं, एकदम गजब का कलर है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये भी कार जो है ऊपर से नीचे गिरेगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे दो हेडलाइट्स दिए हुए हैं, पर भी दो लाइट्स है। यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से जो है आप इसको दो मोड्स में डाल सकते हो। ये भी जो कार है नीचे फ्लोर के ऊपर आप चला सकते हो। यहाँ से आप जैसे इसको प्रेस करते हो ये जो है इसका वैक्यूम एक्टिवेट हो जाता है। इसमें देख रहे हो व्हील्स बिल्कुल भी नहीं लगे हैं, फेक व्हील्स है ही नहीं। तो अभी फटाफट से दोनों का रिमोट कंपेयर करके देख लेते हैं। पूरी तरीके से IR रिमोट है पीछे की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये रिमोट। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। टोटल यहाँ पर जो है हम लोगों को 6 AA बैटरीज डालनी होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो अगर मान लो आपका चार्जर जो है काम नहीं कर रहा है तो आप इसको जो है यहीं से ही चार्ज भी कर सकते हो। आपकी ये वाली RC कार को बैटरीज डालने के लिए आपको काफी ज्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा। इसके रिमोट के बारे में बात करते हैं। ये जो रिमोट है ना यार बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का दिखाई देता है। पीछे यहाँ पर जो हम लोगों को 2 AAA बैटरीज डालनी होती है। तो भाई ये जो रिमोट है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो चलो दोस्तों फटाफट से दोनों ही कार्स को जो है वॉल के ऊपर चला के बताऊंगा। देखते हैं दोनों ही RC कार्स के बीच में कंपेयर करके दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये जो दीवार आप देख रहे हो इसके ऊपर मैं आपको चला के बताने वाला हूँ। तो चलो मैंने ब्लू कलर की वॉल क्लाइंबिंग कार को चिपका दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको चला रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये इसके ऊपर चल रही है जैसे कि आप देख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल RC कार लगी मेरे को ये, बिल्कुल भी इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है दीवार पर चढ़ने में। तो ग्रीन कलर वॉल क्लाइंबिंग कार को भी चला के देखते हैं फटाफट से। तो भाई ये भी जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है दीवार पर। तो यहाँ पर जो है इसकी स्पीड जो है बहुत ही कम हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हो। इसको बहुत ही मुश्किल हो रही है दीवार पर क्लाइंब करने के लिए, और ये ओवरहीट हो चुकी है। तो अभी छत पर चला के मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
भाई काफी गजब तरीके से देख रहे हो, हमारी ब्लू वॉल क्लाइंबिंग कार छत के ऊपर भी चल सकती यार। इसको मैं पूरी तरीके से उल्टा करके चला रहा हूँ गाइस। भाई काफी गजब की पावर है यार इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा पावरफुल सक्शन है इसके अंदर। ओ भाई पकड़ लिया, इसको चलाते हैं यार अभी, देखते हैं चल पाती है कि नहीं। ओ ओ भाई एक और बार चलाते हैं, तो भाई इससे ना हो पाएगा। तो नीचे ग्रीन कलर की कार यहाँ पर मैं आपको चला के बता रहा हूँ, तो ग्राउंड पर तो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। तो ब्लू कलर की कार भी देख रहे हो, ये मेरे को थोड़ी सी फास्ट लग रही है यार, काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है ये। तो दोनों के बीच में रेस लगा के देखते हैं। ओ भाई यहाँ पे शायद एक गड़बड़ हो चुकी है, दोनों के सिग्नल्स जो है आपस में मिल रहे हैं, तो आप दोनों कार्स को जो है एक साथ नहीं चला पाओगे। तो देखते हैं हमारी ब्लू कलर की कार जो है इसका वेट कैरी कर पाती है कि नहीं। तो भाई वेट तो कैरी कर रही है बड़ी आराम से, देख रहे हो बहुत ही आसानी से लेके जा रही है ये, इसको कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। तो ग्रीन कलर की कार को देखते हैं, तो भाई ये भी जो है ना बहुत ही आसानी से कैरी कर रही है इसका वेट। तो भाई ये बार बार ओवरहीट हो जाती है यार। यहाँ पर देख रहे हो अपनी BGMI की बगी को मैंने पीछे बांध दिया है, तो ये इसको पुल कर रही है। तो भाई वाकई में यार ये भी जो है ना ठीक ठाक ही पावरफुल लगी मेरे को। तो देख रहे हो इतनी छोटी सी कार है पर बगी को खींच के लेके जा रही है। तो ये ब्लू कलर वाली वॉल क्लाइंबिंग RC कार भी देख रहे हो, ये भी कुछ कम नहीं है भाई, ये भी बड़ी ही इजी तरीके से अपनी बगी को जो है खींच के लेके जा रही है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है ये वॉल क्लाइंबिंग RC कार्स, क्योंकि इसके अंदर जो है इसका सक्शन बहुत ही तगड़ा होता है यार। तो यहाँ पर जो है ये जो डोर है ना गाइस, ये बहुत ही ज्यादा चिकना है, तो इसके ऊपर देखते हैं चलाकर, बहुत ही चिकनी सतह है इसकी। ओ भाई ज़्यादा भी एकदम स्मूथ सतह होगी तो ये चल नहीं पाएंगे, जैसे कि देख रहे हो बहुत ही मुश्किल हो रही है ग्रीन कलर की कार को। तो बार बार जो है ये नीचे गिर रही है। ओ भाई फिर से गिर गई यार। तो भाई दोनों ही कार्स को जो है एक और बार वॉल पर चला के देखते हैं अपन। तो ग्रीन कलर की कार यार पता नहीं इसके अंदर क्या दिक्कत है, नीचे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही थी, ये बार बार जो है ना गाइस देखो वापस से ओवरहीट हो गई है, अभी चल नहीं पा रही है यार। ब्लू कलर की कार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है यार, इसको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो भाई आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों वॉल क्लाइंबिंग कार्स में से कौन सी कार जो है सबसे ज्यादा बढ़िया लगी, सबसे ज्यादा तगड़ी लगी। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज देख लेते हैं किसको किसको मिलेगा शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है नितिन, वासु, अमन, रोहन, अफनान, जीशान, अक्षत, सना शफी, जय सिंह, जय तिवारी, गौतम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको भी शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी आप अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड, मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार RC कार्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।